नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। और दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे कि कल 29 जुलाई को यानी कि वेडनेसडे वाले दिन मार्केट किस तरीके से रह सकता है। हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे कि लेवल्स क्या रहेंगे निफ्टी के और बैंक निफ्टी के लिए, और हम रिव्यू भी करेंगे कि जो हमने वीकली जो वीडियो पोस्ट किया था, जो वीकली रिव्यू पोस्ट किया था हमारे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए, तो क्या मार्केट उसके हिसाब से चला या फिर नहीं चला, ठीक है। और हम देखेंगे कि हम लोग जो टेलीग्राम के ऊपर मेंबर्स जुड़े हुए हैं उनकी हेल्प कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो हम ओवरऑल इस वीडियो के अंदर एक छोटा सा वीडियो होगा, लेकिन आपको हर चीज़ रिव्यू करके देंगे, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले आते हैं दोस्तों इस वाली वीडियो के ऊपर, जो कि वीकली निफ्टी एंड बैंक निफ्टी व्यू था 27 तारीख से लेकर 31 तारीख तक का। इस वाली वीडियो के अंदर हमने कहा था कि निफ्टी जो है 11,000 का लेवल नहीं तोड़ पाएगा। और इसी वीडियो के अंदर आप प्ले करके देखिएगा, इसका जो लिंक है आपको ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा। इस वीडियो के अंदर जाके चेक करिएगा कि हमने साफ साफ कहा था कि आपको बाय ऑन डिप करना है, और साथ में आपको जो पहला टारगेट मैंने दिया था निफ्टी का, वो दिया था आपको 11,380 एंड सेकेंड टारगेट जो था मेरा वो था 11,500 का टारगेट इस वीक के लिए। दोस्तों, हम पहले टारगेट के नज़दीक पहुंचने जा रहे हैं, हम पहले टारगेट के नज़दीक पहुंचने वाले हैं ऑलमोस्ट, और अभी भी हफ्ते के अंदर 2 दिन बाकी हैं, ठीक है। तो हमारा जो ये वाला निफ्टी का व्यू है जो हमने वीकली बेसिस के ऊपर दिया था आपको, जो हम हर हफ्ते भी देते हैं सैटरडे को आपको वीकली निफ्टी व्यू, वो हमारा इस बार भी काम कर रहा है। और हमारे हर निफ्टी व्यू जो भी होते हैं वीकली वाले, वो काम करते हैं हर हफ्ते के हफ्ते, ठीक है। अब दोस्तों, हमने कल भी ये वाली बात की थी कि कल यहाँ पर हमने कल का भी एक निफ्टी व्यू पोस्ट किया था, ठीक है। ये एक्चुअली इसी का कंटिन्यूशन होता है, पर डे लेवल के ऊपर जब मैं निफ्टी व्यू पोस्ट करता हूँ तो वो हमारा वीकली निफ्टी व्यू का ही कंटिन्यूशन होता है। कल भी हमने कहा था कि भाई बाय ऑन डिप कर लेना आप, और आपको लेवल जो है ऊपर तक के मिलेंगे, ठीक है। तो आज देखते हैं क्या हुआ मार्केट के अंदर। हम निफ्टी के चार्ट के ऊपर आ जाते हैं। निफ्टी का चार्ट मैंने यहाँ पे 1 डे का लगाया हुआ है, और साथ में आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताई थी मैंने क्या बताया था आप लोगों को, मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई ये जो आपका गैप है, ये गैप बहुत जल्द फिल हो जाएगा। मैंने आपको पुरानी वीडियोज़ में बताया था, और ये जो गैप है दोस्तों, वो गैप फिल करने के लिए मार्केट को 11,540 आना ही आना है। ये चीज़ आप नोट डाउन कर लीजिए। हो सकता है ये इस हफ्ते आ जाए, या फिर हो सकता है ये अगले हफ्ते आए, लेकिन आएगा ज़रूर, क्योंकि मार्केट अब इस गैप के नज़दीक पहुंच चुकी है। पहली चीज़ तो आप ये वाला ख्याल रखिएगा। और मार्केट अभी फ़िलहाल 11,300 पहुंच चुकी है, यानी कि केवल और केवल 240 यानी कि 240 पॉइंट्स का ही डिफरेंस है। 240 पॉइंट्स अगर मार्केट और बढ़ जाती है तो ये वाला गैप फिल हो जाएगा। ख्याल रखिएगा, ये वाला गैप जो है 11,540 के ऊपर है, तो ये वाला टारगेट कम से कम आपको बहुत जल्द होता हुआ निफ्टी के अंदर मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। और आगे हम चर्चा करते हैं। आगे चर्चा करने के लिए हमको ये चार्ट थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, तो चार्ट हम बड़ा कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, आपको दो चीज़ों पर फोकस करवाना चाहता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। मैं चार्ट को थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैंने चार्ट को एडजस्टमेंट कर लिया, ठीक है। पहली चीज़ क्या है, पहली चीज़ मैं आपको वॉल्यूम के ऊपर ध्यान दिलाना चाहता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर जो आज का जो वॉल्यूम है दोस्तों, वो वॉल्यूम जो है आपका एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा है, ठीक है। आप कैंडल भी देख सकते हो, ये जो लाइन होती है एवरेज वॉल्यूम वाली, इससे ज़्यादा ही है। और अगर हम एवरेज ये जो पूरा वॉल्यूम जो चल रहा है तकरीबन 16 तारीख से, ठीक है, आपका जो ये वॉल्यूम चल रहा है 16 से, तो वो जो वॉल्यूम चल रहा है वो अबव द ये जो ब्लैक कलर की लाइन है, अबव द 20 मूविंग एवरेज ऑफ द वॉल्यूम, इसके ऊपर ही चल रहा है, ठीक है। तो 16th of July से मार्केट ने एक अच्छी पकड़ बना रखी है अपसाइड मूव की तरफ, और हमने आपको बोला भी था कि मार्केट ऊपर जाएगा ऑलरेडी, ठीक है। और साथ में अभी भी मार्केट में वॉल्यूम है, मैंने आपको कल भी बताया था वॉल्यूम जो है मार्केट में है, और आज भी वॉल्यूम जो है बहुत अच्छा रहा है, और आज के कैंडल जो है वॉल्यूम के हिसाब से उसका साइज़ भी बना है, तो ये एक पूरा का पूरा बुलिश व्यू है।
प्राइस एक्शन प्लस वॉल्यूम को अगर हम दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो ये ऑलमोस्ट ये बुलिश व्यू है मार्केट को। तो हमने पहले ही टारगेट बता रखा है आपको, जो गैप है वो गैप जो है हमारा टारगेट रहेगा 11,540 का। लेकिन उससे पहले आपको हर्डल जो मिल सकता है छोटा सा, वो 11,380 यानी कि 11,380 जो हमने पहला टारगेट लिया हुआ है इस वीक का, वो हमारा एक टारगेट रहेगा। पहला टारगेट ये रहेगा, सेकंड टारगेट हमारा डेफिनेटली ये रहेगा। अब ये टारगेट तो आपको मिल ही जाएगा इस हफ्ते जो हमने लिया था, पहला जो टारगेट लिया था अपने वीकली निफ्टी व्यू में। अब ये टारगेट जो है आपको इस हफ्ते मिल सकता है या फिर अगले हफ्ते मिलेगा, ये मिलेगा ज़रूर। लेकिन ठीक है, तो यहाँ पर क्यों मिलेगा, क्योंकि वॉल्यूम सपोर्टेड है। और दूसरी चीज़, एक चीज़ और थी जिसकी तरफ मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ आपको, ठीक है, वो ध्यान क्या है, आप पहले तो लेवल्स नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं लेवल्स ही बताऊँगा आपको और साथ में एक चीज़ भी मैं आपको दिखाऊँगा। देखिए यहाँ पर क्या था, यहाँ पर मैंने आपको कल बताया था कि भाई मार्केट जो है NR5 के अंदर, नैरो रेंज 5, जो ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको कल क्लियर भी किया था अपनी वीडियो के अंदर, NR5 को बहुत जल्दी तोड़ देगा, मैं आपको कल ही बताया था। और मैंने आपको ये बताया था कि इसके जो चांसेस हैं, क्योंकि वॉल्यूम बहुत हैवी है, तो मैंने आपको बताया था कि चांसेस जो हैं वो ऊपर की तरफ ब्रेक करने के ज़्यादा हैं। तो ऐसा हुआ, आज देख लीजिए 240 का जो एक अपर लेवल थी, ये जो रेंज चल रही थी यहाँ से लेके और यहाँ तक की जो ये रेंज चल रही थी, यानी कि जो लोअर रेंज थी वो 11,090 की थी और जो अपर रेंज थी वो 11,230 की थी। ये रेंज दोस्तों ब्रेक हो चुकी है, अब मार्केट ने ब्रेकआउट ऊपर की तरफ दे दिया है, ठीक है। अब ये जो ब्रेकआउट हमारे हिसाब से ही मिला है जैसे हमने चर्चा किया था। और दोस्तों अब जो अगला लेवल मिल को दिखता है, सिंपल सी बात है 11,380 का है, सिंपल सी बात है जो मुझे अगला लेवल दिखता है। और ये लेवल आने के बाद अगला लेवल फिर उसके बाद रहेगा 11,450 और फिर सीधा 11,540, यानी कि हमारा गैप फिल हो जाएगा। तो ये गैप फिल जो हो सकता है आपका थर्सडे की एक्सपायरी में भी हो सकता है, ठीक है। तो आई होप आपको टारगेट्स मिल गए होंगे और अब ब्रेकआउट हो चुका है, तो अब ऊपर की तरफ रास्ते खुल गए हैं निफ्टी के लिए। और निफ्टी ऑलरेडी मजबूत था बैंक निफ्टी के मुकाबले, और मैंने आपको बताया हुआ था वीकली निफ्टी व्यू के अंदर कि निफ्टी जो है रुकने वाला नहीं है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो डाटा पॉइंट्स है ऑलरेडी हमको वीकली, जो सैटरडे को हम वीकली निफ्टी व्यू पोस्ट करते हैं वहाँ पे हमको डाटा पॉइंट बता ही रहे थे कि मार्केट 11,500 की तरफ जाता हुआ दिखेगा और वो जा भी रहा है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ये जो टारगेट्स हैं वो आपको ध्यान रखने ही रखने हैं, ठीक है। तो कल के लिए क्या रहेगा, कल के लिए सिंपल सी बात है 11,320 ये एक ऐसा लेवल रहेगा कि जब तो अगर इसके ऊपर निकलता है तो आपको पहला टारगेट ये मिलेगा, सेकंड टारगेट आपको ये मिल जाना चाहिए कल तक, ठीक है। लेकिन कल के लिए, कल मैं आपको एक चीज़ इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ, कल क्या है दोस्तों, कल है वेडनेसडे, ठीक है। वेडनेसडे को कौन सा दिन होता है, मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया भी था, वो दोस्तों होता है प्रीमियम इरोजन डे, ठीक है, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, ठीक है। और ये प्रीमियम इरोजन डे के ऊपर मैंने ये कैसे काम करते हैं, इस दिन वाले दिन जब प्रीमियम इरोजन डे होता है निफ्टी के अंदर या मार्केट के अंदर, उस दिन कैसे काम करते हैं, कैसे पहचानते हैं और किस तरीके से हम क्या क्या बातों का ख्याल रखना चाहिए, ये सब बातों की चर्चा मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। आपको मैं वीडियो बता देता हूँ कौन से वीडियो के अंदर हमने ये चर्चा किया था, उस वीडियो को जाके चेक कर लीजिएगा। दोस्तों देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इस वीडियो के अंदर जो हमने 5 दिन पहले पोस्ट की थी, प्रीमियम इरोजन प्रोसेस, और ये इस वीडियो के अंदर मैंने साफ साफ बताया हुआ है कि प्रीमियम इरोजन प्रोसेस को हम कैसे पहचान सकते हैं। इस वीडियो का जो लिंक होगा वो आपको ऊपर आई बटन के अंदर मिल भी जाएगा दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा कि कल वेडनेसडे है, प्रीमियम इरोजन डे होगा, तो वहाँ पर क्या होगा कि दोनों तरफ की मूवमेंट आपको मिलेगी, वहाँ पे प्रीमियम को न्यूट्रलाइज़ किया जाएगा, कल वेडनेसडे है तो वहाँ पर आप ख्याल रखिएगा कि कल मार्केट में दोनों साइड की मूवमेंट आएगी। मोस्टली लोगों को समझ में नहीं आता है ये क्यों आती है मूवमेंट, इसके लिए आपको वो वाली वीडियो देखनी पड़ेगी, मैं आपको पहले से ही इंटीमेट कर रहा हूँ, ठीक है। अब दूसरी चीज़, अब ये तो हो गई निफ्टी के बारे में बात, ठीक है, अब बैंक निफ्टी की भी बारे का बात कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। तो बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं, यहाँ पर बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर लेते हैं दोस्तों। और बैंक निफ्टी के बारे में मैंने अपनी वीकली निफ्टी व्यू वाली वीडियो में कहा भी था कि भाई
बैंक निफ्टी जो है ना बहुत ज़्यादा मजबूत तो है नहीं, वो वीक है। और मैंने आपको एक्सपायरी का जो टारगेट दिया था बैंक निफ्टी का, वो दिया था 23,000 का, जस्ट 23,000 का ही मैंने वहाँ पे टारगेट दिया था आपको। जाके सैटरडे वाली वीडियो चेक कर लीजिएगा। और मैंने आपको ये बताया था साथ में कि निफ्टी जो है बहुत ज़्यादा वीक है, तो नीचे गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो देखो वैसे ही हुआ, निफ्टी नीचे की तरफ गिरी। आज जो है इसने अपने बेस के आसपास जो इसका सपोर्ट था उसके आसपास, जो ये लेवल मैंने आपको कल दिया भी था उसके आसपास इसने सपोर्ट बनाया, वहाँ से इसने रिकवर करना शुरू तो किया है। अब देखते हैं अगले आने वाले दो दिन के अंदर कि ये कितना शॉर्ट कवरिंग कर पाती है बैंक निफ्टी। और मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी एक्सपायरी के आसपास शॉर्ट कवरिंग ज़रूर करेगी, जिसकी हेल्प से निफ्टी भी ऊपर जाएगा, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। अब आपको लेवल जो है इसके अंदर बैंक निफ्टी के अंदर याद रखना है कि आपको 22,100 ये एक लेवल है निफ्टी, बैंक निफ्टी के लिए सॉरी। इसके ऊपर जब अगर मार्केट जाता है बैंक निफ्टी का, तो आपको जो टारगेट मिलेगा वो 22,360 का मिल जाएगा। 22,360 का पहला टारगेट, और जो सेकंड टारगेट रहेगा वो रहेगा दोस्तों कल के लिए 22,500 का। होता क्या है दोस्तों, यहाँ पे मैं दो टारगेट क्यों देता हूँ, कम से कम एक टारगेट आपका अचीव हो जाएगा तो आप लोग कम से कम प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। और दूसरी चीज़, जब पहला टारगेट अचीव हो जाता है तो वहाँ पे आप ट्रेलिंग किया कीजिए, ट्रेल स्टॉप लॉस रखा कीजिए, ठीक है, ट्रेल स्टॉप लॉस रखा कीजिए, यानी कि जो टारगेट सेकंड वाला होता है उसकी तरफ जाया कीजिए, अपने शिफ्ट किया कीजिए अपने स्टॉप लॉस को ऊपर की तरफ। उससे क्या होगा, आपका पहला टारगेट तो आपको मिल ही जाता है नॉर्मली, तो सेकेंड टारगेट की तरफ भी आप जाके मूव कर सकते हो, ठीक है। तो जो पहला टारगेट होता है उसकी तरफ अगर मार्केट में आपको मिल जाता है, तो आपको देखना होता है कि पहले टारगेट के बाद निफ्टी जो है या बैंक निफ्टी जो भी है स्टॉक है या फिर कोई इंडेक्स है, वो आगे की तरफ जा रहा है या फिर यहाँ से ही रिटर्न करने जा रहा है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ती है। अगर आगे की तरफ जा रहा है तो डेफिनेटली आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के सेकेंड टारगेट को भी वहाँ पे चेस कर सकते हो। तो आपको दो टारगेट ऑलरेडी मैंने बैंक निफ्टी के अंदर दे दिए दोस्तों, ठीक है। अब हम चर्चा करते हैं दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात, जो है हमारी ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन हम लोग ऑलरेडी दिखाते हैं, यहाँ पर मैं आपको 30 जुलाई की ऑप्शन चेन दिखा रहा हूँ। देखिए ऑप्शन चेन जो है फुली बुलिश लग रही है मेरे को, मैं आपको बता देता हूँ क्यों। देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है कि यहाँ पर दबा के कॉल जो हैं अनवाइंड हुई हैं, ठीक है, मतलब शॉर्ट कवरिंग हुई है, पूरी की पूरी शॉर्ट कवरिंग हो गई, जो कि मैं आपको कल ही बता रहा था कि शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे 11,000 के नीचे के लेवल के ऊपर हो रखी थी कल ऑलरेडी। आज तो जो शॉर्ट कवरिंग हो गई वो 11,250 से नीचे नीचे सारी हो गई, ठीक है। और यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जो है बहुत ज़बरदस्त पुट राइटिंग हो रखी है, तो पुट राइटिंग का जो व्यू है और ये जो शॉर्ट कवरिंग का जो व्यू है कॉल साइड के अनवाइंडिंग का, ये एक बुलिश व्यू है दोस्तों, ठीक है, ये एक बुलिश व्यू होता है, ठीक है। तो आप इस बात को ख्याल रखिए, ऑप्शन चेन जो है वो भी बुलिश है इस वक्त। और एक इम्पॉर्टेंट बात ऑप्शन चेन के ऊपर क्या है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है, ध्यान से सुन लीजिएगा कि जो अब 11,300 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है, तो डेफिनेटली मार्केट का जो ओपन इंटरेस्ट जो हाईएस्ट बना हुआ है कॉल साइड के ऊपर डायरेक्टली वो 11,500 की तरफ बना हुआ है। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि 11,500 जो है वो डेफिनेटली जाएगा, ठीक है, मार्केट इसी एक्सपायरी में जाना चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज़, यहाँ पर देखो इन द मनी के ऊपर यहाँ पर कॉल राइटिंग भी चालू, सॉरी पुट राइटिंग भी चालू हो चुकी है। तो ये और ये दोनों को अगर हम कोरिलेट करके देखेंगे तो ये भी एक बुलिश व्यू निकल के आता है दोस्तों। तो ऑप्शन चेन टोटली बुलिश है, ठीक है। और फ्यूचर्स का डाटा मैं आपको बता देता हूँ। फ्यूचर्स में जो है FII लोगों ने जो है बाइंग की है, और ऑप्शंस में भी वो लोग बुलिश हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन चेन, फ्यूचर्स, कैश का डाटा, वॉल्यूम, प्राइस एक्शन और आपका निफ्टी का स्ट्रक्चर, एवरीथिंग इज़ बुलिश, ठीक है। बस एक बात का ख्याल रखिएगा कि कल जो है दोस्तों वहाँ पर कल जो है आपको क्या कहते हैं प्रीमियम इरोजन डे जो मैंने आपको बताया हुआ है, वो ख्याल रखिएगा, दोनों साइड की मूवमेंट आपको मिल सकती है। उसकी जो चर्चा है वो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, डीप में कर चुका हूँ, कैसे पता लगाना है उसकी जो चर्चा है वो आपको इस वाली वीडियो के अंदर मिल जाएगा। इस वाली वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कल कैसे प्ले करना है। लेवल्स मैंने आपको बता दिए। चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो प्लीज़ लाइक कीजिए, और बेल नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि कोई भी वीडियो यहाँ पर अपलोड होती है तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत अपने ईमेल या ऐप के ऊपर मिल जाए दोस्तों। हम मिलते हैं कल
अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। टेलीग्राम चैनल जो है वो मेरा ये है, टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैंने आज सुबह सुबह 9:04 पे ही बता दिया था कि मार्केट जो है ऊपर जाएगा, 11,130 के अबव मार्केट रहेगा। तो हमने वहाँ पे 11,030 के अबव हमने टारगेट दिए थे 11,225 के, ये भी अचीव हो गए, ठीक है। तो ओवरऑल फ़ायदा ही फ़ायदा है, ठीक है। और ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम चैनल और मिलते हैं कल टेलीग्राम चैनल के ऊपर ही। अभी के लिए धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।